ये द्वितीय चरण का जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा है उसका तीसरा दिन है। टेकारी प्रखंड के छठवां पंचायत से हैं मुखिया प्रत्याशी और पुराने समाज सेवी मिथिलेश यादव जी, जो पिछले लगभग 20 सालों से जन सरोकार का इनका काज रहा है, जन सहयोग का काज रहा है और आज ये मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं। आइए हम जानते हैं इनके पंचायत के बारे में और इनका क्या इरादा है, क्या सोच है पंचायत में खड़ा होने का। हम बताइए मिथिलेश जी, आज 15-20 बरस से लगभग पंचायत में खाली भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई कार्य नहीं हुआ है पंचायत में। लगभग हर गली और रास्ता अभी तक बना नहीं है और हम चाहते हैं कि पंचायत में हर व्यक्ति का वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचारी हुआ है और नली गली बनाने में भी बहुत भ्रष्टाचारी हुआ है। कहीं भी ढंग से नली गली नहीं बन पाया है। अब हम चाहते हैं कि पहले अथी सिंचाई का साधन बने और इसके बाद में नाली गाली और रास्ता का साधन बने। इसलिए हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का हमको अथी नहीं है, इसलिए हम भ्रष्टाचार के अथी में हम खड़ा हुए हैं, भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। विकास कार्य आपके पंचायत में अभी भी बहुत बाकी है? बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है पंचायत में। पंचायत में पंचायत मुख्यालय है हमारे गांव छठमा, वहां तो अभी चल के देखा जाए तो जनर गली में जाइए उन्होंने कादो कीचड़ लगा हुआ है। तो ये थे मिथिलेश जी, ये बता रहे थे कि इनका पंचायत जो है वो उसमें भ्रष्टाचार, इनका कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हावी है और बहुत ऐसा गांव है नली गली का अधूरा है। जो इनका पंचायत मुख्यालय है छठमा, वहाँ कीचड़ से सना हुआ रोड है और पेयजल का जो व्यवस्था है अलग अलग गाँव में उसमें समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो ये चाह रहे हैं कि जनता अगर इनको मैंडेट देती है, जनता अगर दिलाती है तो सारे समस्याओं का समाधान होगा। कैमरामैन मुकेश के लिए मैं बाबा शिवाजी, केबल 6 न्यूज के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छठवां पंचायत का मुखिया कैसा हो? जिंदाबाद जैसा हो। छठवां पंचायत का मुखिया कैसा हो? जिंदाबाद जैसा।